Hello Sujan, today I am going to teach CBSE Mathematics for Class 6. आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को किस तरह से हम लोग डिविजिबल करते हैं। जैसे कोई नंबर देता है आपको, पूछेगा कि क्या यह नंबर, सपोज मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है कि ये नंबर है मेरा 4, 5, 8, 9, 0, आपसे पूछेगा इतना बड़ा नंबर तुरंत आपको बताना रहेगा, तो किस तरह से आप बताएंगे। तो आपके लिए कुछ नियम होते हैं हमारे, जैसे मेरा देखिए 45,890, पूछेगा क्या यह नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब 2, 3, 4, 5 को हम लोग किस तरह से बताएंगे कि यह नंबर हमारा डिविजिबल है। तो पहला हम लोग बताते हैं, हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 2 से कैसे हम लोग डिविजिबल है, तो इसका नियम क्या होता है, नियम देखिएगा आप लोग। नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब है कि एक कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा यदि उसका वन डिजिट मतलब क्या, इकाई का जो स्थान होता है, इकाई का जो डिजिट होता है, उस वहां पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे मेरा 4, 5, 8, 0, तो ये मेरा क्या है, ये हमारा वंस डिजिट है कि नहीं, 1, 10, 100, ये मेरा 1000 है ना, 1, 10, 100 and 1000। तो यहां पर क्या कह रहा है कि यदि वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तब बोलेंगे कि हमारा 2 से डिविजिबल है। तो वंस डिजिट क्या दिख रहा है आप लोगों को, 0 दिख रहा है, इसका मतलब कि यह नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है, यह नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 2। देखिए हम 0 मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे 0। एक और लेते हैं एग्जांपल, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5, 3, 2, 1, 4, 9, ठीक है, या 9 ना करने के बजाय इसको 4 ही रहते हैं हम लोग। चलिए तो ये वंस डिजिट पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और यहां को 4 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 2 हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1, 4, 9, 8, 5, 6, देखिए यहां पर 6 है, यहां भी 6 है, मतलब यह क्या हमारा डिविजिबल बाई 2। अच्छा अब चौथा एग्जांपल लेते हैं, 8, 5, 4, 9, तो क्या ये हमारा डिविजिबल है, ये हमारा डिविजिबल दिख रहा है क्या, ये हमारा डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमको कोई भी नंबर इसे मैच नहीं कर रहा है, वंस डिजिट 9, बट यहां कोई 9 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, तो यह थोड़ा हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 2 से डिविजिबल का क्या कंडीशन होता है, कोई भी नंबर 2 से हमारा तभी डिविजिबल माना जाएगा यदि वंस डिजिट दिए गए, वंस डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। अंडरस्टूड, अब इसके बाद चेक करते हम लोग अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज अ डिविजिबल बाय 3, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कह रहा है कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल माना जाएगा जो दिए गए सभी डिजिट को जोड़ने पे, सम मतलब क्या, योग ना, जो दिए गए डिजिट को जोड़ने पे 3 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से चला जाए। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास 4, 5, 9, 1, ठीक है, ये कितना हो रहा मेरा, अब इसको ऐड करते हैं, 9, 9, 18, हाँ ये इतने रह दो, ठीक है ना, इतना
ये मेरा कितना है 4, 5, 9। तो सम करते हैं इसको हम लोग, सम मतलब क्या, जोड़। 4 + 5 + 9 = what 4 + 9 = 4 + 5 = 9 9 + 18 18। तो 18 को चेक करेंगे क्या ये हमारा 3 से जा रहा है, यस हमारा ये 3 से डिविजिबल हो गया। तो क्या कहेंगे, हाँ ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, यस डिविजिबल बाय 3। और भी नंबर लेते हम लोग, 9 8 1 4 5 9 0, ठीक है चलिए जोड़ते हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, क्या करेंगे सम, सम करते हैं 9 + 8 + 1 + 4 + 5 + 9 + 0 9 8 17 18 18 4 22 22 1 27 27 9 27 9 36 कितना हो गया मेरा 36। कितना आ गया मेरा 36। तो चेक करेंगे क्या हमारा 36 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करते हैं। 36 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 6 2 3 2 6, यस ये हमारा डिविजिबल है। तो क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया, चलिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अपना डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं 3 के लिए। अच्छा एक और एक देख लेते हैं हम लोग, थर्ड क्या हुआ देखिए, 4 9 5 4 2 1, ठीक है जोड़ते हैं इसको 4 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1 9 4 13 13 5 18 18 4 22 22 24 25 कितना आ रहा मेरा 25 13 5 18 18 6 24 25। चेक करते हैं क्या ये हमारा 3 से जा रहा है क्या, ये कितना आ गया 25 आ गया। तो कितना 3 8 24, ये हमारा 1 आ जा रहा है। तो ये हमारा डिविजिबल है, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 को चेक किया। अब आता है हमारा डिविजिबल बाय 4। अब इसको चेक करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4। ये मेरा थर्ड है, ये थर्ड टेस्ट फॉर 4, 3 हो गया ना टेस्ट फॉर 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 कह रहा है कि a number is divisible by 4 if the tens and ones digit is a divisible by 4। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी संख्या 4 से तभी divisible माना जाएगा यदि उसका इकाई का स्थान और दहाई का स्थान मतलब वंस प्लस एंड टेंस प्लस क्या हो उसको हमारा 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे मेरे पास है 4 2 5 2, ठीक है ना, मेरे पास कितना है 4 2 5 2, क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि इसका टेंस और वंस प्लस है, तो टेंस में ये मेरा वंस प्लस और दिस इज टेंस प्लस, तो ये मेरा कितना हो गया 52 हो गया, ये वन प्लस और ये मेरा टेंथ प्लस है ना, ये मेरा वन प्लस हो गया और ये मेरा टेंथ प्लस हो गया, तो ये मेरा कितना गया 52। अब 52 को उठाएंगे और 4 से चेक करेंगे, 4 से हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे, तो 4 1 4 1 2 4 3 12, देखिए चला गया मेरा, हो गया ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या है डिविजिबल बाय
फोर। अगला देखिए एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, 9336, ठीक है 9336, ओके चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये मेरा ये देखिए 1 और 10 डिजिट यही ना मेरा 36 है, कॉपी दैट, और 36 में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स आएगा। देखिए ये भी चला गया, ये भी क्या मेरा डिविजिबल बाय 4। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास नंबर है 5219, चलिए यही मेरा मान लीजिए 5249, क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेट मी चेक। तो ये मेरा 1 डिजिट, ये मेरा 10 डिजिट उतार दिए, कॉपी कर दिए, और ये तो 4 से जाएगा, 4 1 4, ये 9 उतारा, 4 2 8, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नॉट डिविजिबल बाय 4, ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से क्या बताएंगे आप लोग, अगर आपसे पूछते हैं कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो बता देंगे कि अगर हमारा जो दिया गया संख्या है उसका 1 डिजिट और 10 डिजिट यदि 4 से डिवाइड करने पर चला जाए तो कहेंगे कि वो हमारा 4 से नंबर डिविजिबल है। अगर वो नहीं जाता है, अगर वह डिविजिबल कंप्लीटली नहीं जाता है, रिमाइंडर बचता है, तो बोलेंगे कि वो हमारा नॉट डिविजिबल। जैसे ये एग्जांपल ये वाला है। अब इसके बाद आता है हमारा पांचवा डिविजिबल, इरेज करता हूं, देखिए 4 हो गया, 5th है डिविजिबल बाई 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट पर 5, और नंबर है डिविजिबल बाय 5 इफ वंस डिजिट इज अ 0 और 5। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या 5 से तभी डिविजिबल माना जाएगा, 5 से कोई भी संख्या 5 से तभी डिविजिबल माना जाएगा यदि उसका वंस डिजिट कितना हो, 0 हो या 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो। देखिए यहां पर एग्जांपल देखिए 5034 9045, इतना बड़ी संख्या है, आपसे पूछा जाएगा, तुरंत पूछा जाएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बस आपको क्या देखना है कि वंस डिजिट लास्ट में कितना है, 5, तो 5 ये मैच कर रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 9543040, तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना, क्या बोला 0 और 5, 0 हो या फिर 5 हो, कुछ भी हो, तो क्या बोलेंगे, यस डिविजिबल बाय 5। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 4269859955450500, इतनी बड़ी संख्या है, तो आप तो चेक डिवाइड करने बैठोगे नहीं, आपसे पूछे बेटा क्या ये जो दिया गया संख्या है ये हमारा 5 से डिविजिबल है, इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करने का काफी समय लगेगा, तो वो क्या बताना है, लास्ट के देखना है, वंस डिजिट में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो क्या बोल देंगे सीधे आप, यस डिविजिबल बाय 5। अच्छा फोर्थ एग्जांपल लेते हम लोग 92489, तो क्या ये हमारा डिविजिबल है, यहां पर 9 दिख रहा है तो ये हमारा डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 5। पांचवा देख लीजिए 1 2 4 3 8 1, तो यहां पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी संख्या आपको दिया रहे पूछेगा कि क्या यह हमारा दिया गया संख्या 5 से डिविजिबल है, तो क्या बताएंगे आप, बस क्या देखना है आपको,
वंस डिजिट और उसका 10 डिजिट, वंस डिजिट उसको देखना है कि उसके लास्ट में 0 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। Number is divisible by 6 and 3। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिविजिबल माना जाएगा यदि संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। फिर से समझिए, 6 डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन है। कहता है कि 6 से नंबर तभी डिविजिबल माना जाएगा यदि दिया गया संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तभी बोलेंगे कि वो हमारा 6 से भी वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। लेते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे क्या बोले थे हम लोग, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 6, 6, 5, 11 और यहां पर 3 कर देते हम लोग। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग 4, 3, 5, 0। आपसे पूछा गया कि क्या यह दिया गया संख्या हमारा 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बस क्या देखना है आपको, तो पहले 2 से पहले चेक करते हैं। 2 से के लिए क्या कंडीशन बताया था मैंने आपको, 2 से के लिए कंडीशन बताया था कि यदि वंस डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो बोलेंगे वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। और 3 के डिविजिबल के क्या बताया था आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का सम जितना प्राप्त हो रहा है हमें उसको 3 से डिवाइड करेंगे, यदि वो कंप्लीटली चला जाता है डिविजिबल अगर हो जा रहा है तो बोलेंगे वो हमारा 3 से भी डिविजिबल है। तो जब 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा तो बोलेंगे कि वो संख्या हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए यहां पर पहले 2 से चेक करते हैं, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, क्योंकि वंस डिजिट यहां पे 0 है, यस। और 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई बाई 3 के लिए क्या कंडीशन होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए कितना आ जा रहा है 5, 7 और 5 = 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 = 12। देखिए ये मेरा हो गया, तो ये हमारा 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। जब संख्या हमारा 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा तो बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 9, 4, 3, 13, 13, 1, 9, 4, 13, 13, 4, यहां पे 2 कर लीजिए और यहां पर 0 कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 9, 4, 13, 13, 5, 18। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या यह हमारा 2 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है। हाँ है, क्योंकि अंत में क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। कैसे, क्योंकि 9 + 4 + 3 + 2 + 0, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18 आ गया, 18 आ गया, इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 18 हो गया, 3 = 18। ये भी क्या मेरा डिविजिबल बाय 3। तो यदि नंबर हमारा 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा तो बोलेंगे यस इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 6।
तो इस तरह से आज हमने आपको बताया था, बताया डिविजिबिलिटी टेस्ट पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके अगले वाले वीडियो में अभी आपको हम बताएंगे कि डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 11 उसको बताएंगे। सो आपको जितना भी बताया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता उसको रिवाइंड करके आप फिर से उसको देखिए, एक बार है, दो बार है, तीन बार उसको देखिए और देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमें अपना डाउट्स को बता सकते हैं, जिससे कि हम अपना डाउट्स क्लियर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।